प्रभु में प्रिय और प्रभु में विश्वासी सभी भाई और बहनों का इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं और फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर की सेवकाई करने का ऐसा लॉकडाउन पीरियड में और विशेष करके प्रभु के वचनों के द्वारा मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं आज जो हम विषय पर प्रभु के वचनों का अभ्यास करने वाले हैं वो तो प्यारो जो बाइबल में अंत के समय के लिए जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है आने वाले समयों में जैसे जैसे हम दिन दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं तो बाइबल में इसके विषय में क्या क्या बातें परमेश्वर ने बोली हुई है लिखी हुई है तो उसको समझने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए एक आशा रखी है कि वे उसके आने की बाट जोते रहे है ना आने की बाट जोते रहने को परमेश्वर ने बोला है और हम कैसे जोते रह सकते हैं कि उसके वचनों की ओर ध्यान करते हुए भक्ति भावपूर्ण जीवन में लीन होते हुए और जितना हो सके अपने आप का समर्पण प्रभु के सामने जारी करते हुए पर प्यारो ये बहुत समझना जरूरी है हर एक विश्वासी को कि अंतिम समय में कौन सी कौन सी ऐसी घटनाएं इस संसार में होने वाली है ताकि हर एक विश्वासी उसके लिए तैयार हो सके तो हम प्रार्थना में जाएंगे छोटी दुआ करेंगे और हम इस विषय के पर ध्यान करना चाहेंगे आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं प्रार्थना करेंगे जीवित परमेश्वर हम फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हैं आपने ये मूल्यवान अवसर दिया है कि हम साथ मिलकर ऑनलाइन प्रभु तेरे वचनों को सीख सके पिता इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं कि जिसके जरिए प्रभु तू अपनी बातें हमारे मनों में हमारे हृदय में इस अंतिम समय में उंडेलता है प्रभु तू कितना हमसे प्यार करता है कितना हमारा ख्याल करता है विशेष रूप से आत्मिक जीवन के लिए प्रभु भौतिक जीवन का तो तू ध्यान रखता ही रखता ही है पर प्रभु हमारे आत्मिक जीवनों के लिए तू कभी भी नहीं चाहता कि हम हम सोते रहे तू हमेशा यह चाहता है कि हम चौकस रहे जागते रहे सचेत रहे और इसीलिए तेरे वचनों को भेजकर बार बार तू हमें टटोलता है हमें जागृत करता है पिता और आज फिर से तो उन बातों को हमारे सामने ला रहे हम इसके लिए धन्यवाद करते आने वाले कुछ समय प्रभु हम इस विषय पर बहुत कुछ सीखने वाले समझने वाले हैं और प्रभु हम अवेयर होने वाले हैं प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी सच्चाई को तू प्रकट कर प्रभु हम पवित्र आत्मा तुझे न्योता देते सुनने वाले देखने वाले हर एक के मन हृदय विचारों का तू कब पवित्र आत्मा और विशेषकर तू समझ दे तू ज्ञान दे कि इन बातों को हम समझ सके प्रभु तू जो समझ में हमें ले जाना चाहता है वो समझ में हम आगे बढ़ सके पिता हमारी सहायता कर। हम इस पूरे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नेटवर्क पर पूरे सिस्टम पर और सुनने वाले हर एक व्यक्तियों पर हम सभी पर लेते हैं सारे अवरोधों को हम यीशु के लहू में निष्फल करते हैं प्रभु तेरी सच्चाई तेरी बातें हमारे मनों में आज राज करने पाए प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं आमेन तो प्यारो आज का जो विषय है मूल वो यह है कि मेजर इवेंट्स ऑफ द एंड टाइम्स महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं जो अंत समय में होने वाली है और इन घटनाओं में कौन सी पहली ऐसी घटना होने वाली है नहीं तो उसकी और हम देखने वाले हैं विशेषकर बाइबल में इन महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम क्या रखा है ना कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा कैसे कैसे ये समय आगे बढ़ेगा तो बाइबल में विशेषकर अंतिम समय के लिए जो घटनाएं का वर्णन किया है उसकी और हम हम अभ्यास करेंगे उसका अध्ययन करेंगे ताकि हमें समझ में रहे विश्वासी को ध्यान में रहे कि वो किस समय में जी रहा है उसको पता चले कि अब ये समय निकट है ऐसा समय इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद क्या होने वाला है देखिए परमेश्वर ने कुछ भी अस्पष्ट नहीं रखा है बहुत क्लियर अपने वचनों में उसने जारी किया है सब कुछ जाहिर कर दिया है प्यारो हमें उसके वचन सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं प्यारो हम बहुत कुछ नहीं इस संसार में बहुत सारा ज्ञान आज उंडेला जा रहा है यहाँ से वहां से इधर से उधर से हम देखते हैं पर प्यारो सच्चाई जब आप पढ़ोगे प्रभु के वचन को लेकर तभी आपको पता चलेगा किसी और की बातें नहीं उस पर हम हमारा आधार नहीं बना सकते हमें जरूरत है कि हम खुद इसको जांच आज भी जो चीज जो बातें जो विषय पर हम वचनों को खोलकर अभ्यास करेंगे उसको आप भी जांचिएगा प्यारो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे तो आप समझ लो स्वीकार लो पर आपको खुद को जांचना है ये रेफरेंस जो भी इसमें आएंगे उसको आपको खुद को जांचना आप नोट डाउन कीजिएगा है ना तो हम इस बाइबल अभ्यास की शुरुआत करते हैं आज हम देखते हैं कि पूरे संसार में देखिए प्यारे क्या हो रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन ये अंत का समय लोग बोलते हैं कि ये अंतिम समय है कोई बोलता है कि ये तारीख को अंत होने वाला है नहीं हम एक के बाद एक बड़े-बड़े लड़ाइयों की बातें सुन सुनते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि भूखमरी बढ़ती जा रही है अकाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे देशों हम देख रहे हैं कि भूकंप बढ़ते जा रहे हैं अब देख रहे सुनामी नहीं चारों तरफ बढ़ती जा रही है कुदरती आपदाओं का तो मतलब कोई तोड़ नहीं रहा हर समय कोई भी सीजन हो कुदरती आपदाएं कहीं ना कहीं तो जारी रहती है जा। हम ऐसे समय में जी रहे प्यार तो इस समय के लिए परमेश्वर क्या बातें कह रहा है तो प्यारो बाइबल की महत्वपूर्ण अंतिम समय की घटनाओं में सबसे पहली घटना है और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का आना प्रभु यीशु मसीह का आना पर ये एक बार तो प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म ले चुके एक बार आ चुके अब दूसरी बार वो कब आएंगे अब दूसरी बार किस अवस्था में कैसे नहीं ये ये हम समझने का प्रयास करेंगे देखिए चेले इस बात को लेकर ले बहुत उत्सुक थे कि भाई क्या होगा तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके सामने स्क्रीन पर है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है मतलब जब हम भी इस संसार में हम देखते कि भीनी खुशबू आती है हमें लगता है बहुत गर्मी होती है भीनी खुशबू आती है, लगता है हाँ अब बारिश आने वाली है या तो कहीं बारिश हुई है और प्रभु यही बात बोल रहे हैं कि तुम जान ले तो निकट है। इसी से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है वरण द्वार ही पर है मतलब यीशु ने उस समय में आज से दो साल पहले यह बात बोली थी कि जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है वरण द्वार पर है अब क्या तो हम बोलते हैं कि जीजस क्राइस्ट इज कमिंग सुन प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है पर कहा कहां आ रहा है आपको पता है कहा आ रहा है किस समय आने वाला है भाई कौन से समय आएगा वो बाइबल में प्यारों सब बातें लिखी हुई है पर यह बात बोली गई है उसके आने के समय के लिए कि समय बताया नहीं गया है कि कोई निर्धारित समय पर नहीं आने वाला है बहुत सारे लोगों का ऐसा हाल हुआ प्यारो कि वो लोग बोलने लगे कि भाई इस समय को आने वाला है ये समय आने वाला है पर जिन्होंने अतीत में जब हम देखते तो ऐसे निर्धारित समय को जाहिर करने वाले लोग थे उन्होंने कोशिश की तो वो समाप्त हो गए या तो एक बड़ा पाखंड या तो ऐसा गलत पंथ इस संसार में जन्म ले चुके प्यारो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है प्यारो इसलिए हमें बाइबल पर इन दिनों में पूरा आधार रखना है क्योंकि बाइबल में पूरी सच्चाई वर्णन की गई है है ना बाइबल में प्यारो सब लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा उसका आगमन होने वाला है जब अंत के समय में तब उसका समय किसी को पता नहीं है इवन बाइबल में भी वो समय लिखा नहीं है पर उस समय वो समय आए उससे पहले कुछ बातें होने वाली है उसकी साइंस मतलब उसकी चिन्ह उसके संकेत का वर्णन किया गया बाइबल में तो मान लो कि यहां पर कुछ बातें लिखी हुई आप देख पाओगे कि समय नहीं दिया गया पर संकेत दिए गए हैं धार्मिक संकेत राष्ट्रीय संकेत राजकीय संकेत राजनीतिक संकेत कॉस्मिक मतलब अवकाशीय संकेत नहीं आकाशीय घटनाओं का संकेत ये सारे संकेत दिए गए उसमें पहला है कि राज धार्मिक संकेत तो प्यारो जब प्रभु यीशु का आना निकट होगा तो इतने संकेत मिलेंगे इतने बदलाव हमें देखने मिलेंगे देखिए ये बाइबल में ये वर्णन किया दूसरे तीनों तीन और एक से चार में कि वो समय बहुत खतरनाक समय होगा कि लोग ऐसे होते जाएंगे लोगों का स्वभाव लोगों के अंदर पाप करने की, की वृत्ति बढ़ती जाएगी लिखा है कि वे लोभी अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतज्ञ अपवित्र दया रहित क्षमा रहित दोष लगाने वाले असंयमी कठोर भले के बैरी विश्वासघाती ऐसे ही मतलब सुख विलास ही के चाहने वाले ऐसे हो जाएंगे आगे लिखा है कि ऐसे लोग होंगे कि जो भक्ति का भेष तो धरेंगे मतलब अपने आप को बहुत भक्ति, भाव, पूर्ण है वो दिखाएंगे कि वी आर सो स्पिरिचुअल वी आर सो गॉडली वी आर इन बिलीविंग इन टू मच इन गॉडलीनेस नहीं हम बहुत भक्ति भाव पूर्ण जीवन जी रहे हैं। पर उसकी सामर्थ को नकारेंगे वो लोग उसकी सामर्थ को नहीं स्वीकारेंगे भाई प्रभु चंगा कहा करता है आजकल थोड़ी ना चमत्कार होते हैं आजकल ये सब नहीं होता है यार बाइबल क्या वर्णन कहता है ये मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है इब्रानी तेरा और आठ बहुत साफ तो रूप से वर्णन करती है, लिखा है मत्थी 24 और और में एक और संकेत दिया है धार्मिक संकेत कि अधर्म बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा और इसकी वजह से बहुतों तो का प्रेम ठंडा हो जाएगा लिखा है कि झूठे झूठे भविष्य वक्ता झूठे उपदेशक खड़े होंगे लिखा है कि तुम्हारे बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने का प्रयास करेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर उनको अपने पीछे खींचने का प्रयास करेंगे आज हम ये बात बहुत देख रहे प्यारों। कि आप हमारे कलिसिया में आ जाओ आप यहाँ जा रहे हो यहां मत जाओ आप यहाँ आ जाओ देखो हम यहाँ पर इतने फायदे मिलेंगे ये होगा ना वो होगा अरे क्या है ये क्या हो रहा है यारो कलिसिया के अंदर भी ये स्वार्थी वृत्ति का पाप प्रवेश किया हुआ है और ये अंतिम समय में ये बात हो रही है बाइबल में और भी एक संकेत लिखा है कि झूठे मसीह और झूठे उठ खड़े होंगे और लिखा है कि बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे वो देख चुने हुए लोग भी भरमा जाएंगे ये सब ये सब हो रहा है त्यारो पिछले साठ सालों में पता है आपको पिछले साठ सालों में बारह हजार पांच सौ से ज्यादा झूठ अपने आप को मसीह कहना आने वाले लोग हो गए पिछले साठ साल की बात कर रहा हूं अपने आप को मसीह कहलाने वाले 12,500 लोग इस दुनिया में हो गए आप सोच सकते हो आप कैसे समय में जी रहे लिखा है कि ऐसे समय में लोग लोगों का आत्मिक आ, बोलते हैं आत्मिक जीवन गुनगुना हो जाएगा ना ठंडा ना गर्म बस बीच में पड़े रहो ऐसे ही कोई कोई गर्मी नहीं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रभु का काम करने की प्रभु में आगे बढ़ने की प्रभु को महिमा देने की कोई आग नहीं है बस ठंडे हो गए जैसे दिखाए कि क्रूस के शत्रु बढ़ जाएंगे वह सत्ताओं बढ़ता जाएगा आप देखो दिन ब दिन ऐसे एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है लोग धर्मांध होते जा रहे हैं और इस चक्कर में लोग दूसरी जाति या तो किसी और बातों को और पंथ को सहन नहीं कर रहे और एक दूसरे के शत्रु होते जा रहे ये सब बढ़ता जाएगा बाइबल में यह सब लिखा है प्यारो दूसरी एक बात भी लिखी है कि ऐसे समय में सुसमाचार का फैलावा भी बढ़ता जाएगा तो प्यारो ये बात भी सही है कि इन दिनों में फैलावा भी बहुत होता जा रहा है प्यारो और भी जो चिन्ह है पॉलिटिकल साइन पॉलिटिकल राजनीतिक संकेत राष्ट्रीय संकेत उसमें है कि मत्थी चौबीस में लिखा है कि इसराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो हमने ये बात देखी कि 1948 में इसराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया उसी समय अलग होकर दूसरे राष्ट्रों के रूप में भी दूसरे दूसरे निर्माण होंगे आप देखो तो सुदान आज उत्तर सुदान और दक्षिण सुदान आप देखो कैसे अलग अलग राष्ट्र अस्तित्व में आते जा रहे हैं बर्मा में ऐसे बहुत सारे देशों में ये बात हो रहा है कि अलग अलग राष्ट्र होते जा रहे हैं इवन हमारे देश में भी हम देखें तो राज्य अलग अलग होते जा रहे हैं नए नए राज्य बनते जा रहे हैं सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है देखा है कि युद्ध और युद्ध के समाचार होंगे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध हो जाएगा इवन आर्थिक असमानताएं भी बढ़ जाएगी अब सोच आर्थिक असमानता मतलब अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब और भी गरीब होता जाएगा मतलब उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा आप देखो लूका 21 और 34 में से लिखा है कि अंत के समय में लोग मतवाले होते जाएंगे अपने खाने पीने में मगन होते जाएंगे नहीं इन सब बातों में व्यस्त होते जाएंगे तो प्यारो ये वो समय है कि जिसमें आप और मैं जी रहे जिसके लिए प्रभु ने बोला कि जब ये सब हो तो जान लो कि मेरा आना निकट है दूसरा जो संकेत है वो है प्राकृतिक भौगोलिक व अवकाशीय संकेत प्रभु ने प्यारो अपने वचन को पूरा करने के लिए कितनी सारी बातें रखी है जिससे हम जान सकते हैं कि यह समय निकट है देखो प्रभु के वचन में लिखा है कि जगह जगह पर भूकंप होंगे आप देखो भूकंप तो जैसे वर्ल्ड में हर एक देश में आज कहीं ना कहीं भूकंप देखने को मिलता है ठीक है कि अकाल और महामारी बढ़ जाएगी भूखमरी से आज आज के समय में रोज दस हजार से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं भूखमरी से जिनको खाना नहीं मिल रहा है आज सुबह ही मैंने न्यूज पेपर में देखा कि रास्ते में पड़े हुए लोग इस लॉकडाउन की वजह से मर गए बहुत सारे लोग उसमें एक भाई साहब की डेड बॉडी बताई मतलब खाना नहीं मिल रहा है बड़े बड़े भूडोल होंगे जगह जगह अकाल और मरिया पड़ेगी महामारी देखो अब महामारी शब्द तो बहुत अच्छे से हमारे मुंह पर आ गया आज नहीं कोरोना ने सबके दिमाग में कब्जा कर लिया आज कि भाई बाप रे बाप ये कैसी महामारी हम घर से बाहर कदम निकाल दे तो डर लगता है तो प्यारो लिखा है कि अकाल और मरिया पड़ेगी ऐसा नहीं लिखा है कि मरी पड़ेगी पर मरिया महामारियां महा आएगी और लिखा है कि आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे आपको पता है पिछले दस दिन के भीतर का कोई समय था मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं और एक बड़ा सा मैं अगर बोलता रू तो पृथ्वी से बहुत लगभग चौदह गुना बड़ा एक उल्का पिंड बिल्कुल बहुत पृथ्वी के करीब से होकर निकल गया प्यारो अब आकाश में यह सब भयंकर बातें हो रही है साइंटिस्टों ने ऐसा बोला था कि चांस है पृथ्वी पर आने के पर प्रभु की दया से ये हुआ नहीं पर प्यारो बहुत सारी ऐसी घटना है जो आकार ले रही है इन दिनों में सूर्य के लिए भी ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें ऐसी बातें हो रही है कि जैसे जिसका प्रभाव इस पृथ्वी पर बहुत भारी रूप से पड़ने वाला है यारो, सूरज चांद और तारों में बड़े-बड़े चिन्ह दिखाई देंगे लिखा है कि समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे आज लोगों में डर छा गया है सुनामी समुद्र का गरजना ये सब बातें मतलब लोगों में इतना कोलाहल कितना मतलब घबराहट फैलाती है लिखा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी पहले समय में जितनी उल्का वर्षा होती थी जिन आगे के 2000 साल में उससे ज्यादा उल्का वर्षा पिछले 50 साल के अंदर हो गई है प्यारो पता है आपको उन सब की मिलाकर देखे तो उतनी ये 50 साल में हो गई मतलब आकाश की शक्तियां मतलब हिलाई जा रही है आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आ, वैसे वो वो वचन अलग है पर ऐसा है कि परमेश्वर आकाश को मल मल के पर्दे की माफिक समेट लेंगे आप जैसे चादर समेट लेते हो ना यार हमारा परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु है और वो खुद अपने आने के संकेत दे रहा है हमें ज्ञान का बढ़ावा हो जाएगा आप देखो कितना सारा नॉलेज बढ़ गया छोटे छोटे बच्चों को क्या पता होता है बड़े बड़े लोगों को सबको मतलब ज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन आज आज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो अब लोग गाड़ियां हवा में उड़ेगी या तो कोई ट्रैक हवा में बनेगा ऐसा समय आ रहा है के के अभी के समय में मोबाइल छोटे पहले मोबाइल थे अब अब देखो तो बड़े बड़े मोबाइल लोगों के हाथ में अब ऐसा समय आएगा अब मोबाइल फोल्ड होगा जैसे कागज फोल्ड करते मतलब सोचो प्यारो नॉलेज बढ़ने की कोई सीमा नहीं असीमित रूप से बढ़ता ही जा रहा है अब आने वाले पांच दस साल सालों में पता नहीं क्या बदलाव आ जाएगा हमारे आस यात्रा और संचार बढ़ जाएगा कम्युनिकेशन प्यारो अभी आप जब देख रहे हो ना ये ऑफ कम्युनिकेशन kind of ये ये संचार है प्यारो ये संचार बढ़ता जा रहा है आप देखो आज लोग समाचार न्यूज चैनल देखो तो वहां पर भी ऑनलाइन सब जुड़ते होते हैं संचार बढ़ता जा रहा है आप देखो तो यात्रा कितनी सारी यात्रा अभी तो वैसे ज्यादातर देशों में फ्लाइट्स बंद है पर हजारों लाखों हवा में उड़ते होते पता है नॉर्मल दिनों में मतलब आप सोचो कितनी यात्रा भी होती जा रही है। तो प्यारों, ये सब बातें हैं कि प्रभु का आना बहुत है ना हाँ? आला लोहिया अः प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें अपने आने के लिए बोली थी और वो क्या थी देखो सबसे पहले तो जब यीशु मसीह आए तो किस बात के लिए आए तो पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में भी आए इस जगत में आए पहला तीमोथी एक और पंद्रह साफ लिखा है कि और यो तीन सोला की नहीं विश्वा आ, 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 हर एक जन का नाश न हो पर उद्धार पाए अन्य जीवन पाए इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिए अगर इस बात को हम यहूदी विवाह समारोह उनकी जो ट्रेडिशन थी उनकी जो सिस्टम थी उसकी और गौर करें तो बहुत अच्छे से हम प्रभु के कुछ वचनों को समझ पाएंगे पता है यहूदी विवाह में क्या होता है पता है जब कोई व्यक्ति जवान होता है और शादी करने योग्य हो जाता है तब क्या होता है पता है तो अपने पिता के साथ वो सहमत होता है कि अब वो कन्या के घर पे जाए और कन्या के घर पे जब जाता है तो पर्टिकुलर कुछ होते हैं ये वाचा होने के बाद ये बात होती थी पुत्र अपने लिए नहीं घर बनाता था कन्या को वो बाप के घर में नहीं ले जाता था पर अपने लिए एक घर बनाता था और जब वो घर बना लेता था तब वो अपने पिता का अप्रूवल लेता था कि भाई मेरे पिता मुझे अप्रूव करे मतलब सील लगा दे कि अब आप आगे बढ़ो तब वो शादी के लिए वो आगे बढ़ता था कि भाई हाँ इस पिता पिता देखता था कि भाई हाँ बेटे ने घर बिल्कुल तैयार कर दिया है और अब वो कन्या को ला सकता है तब ये बात होती थी और उसी समय कन्या को भी तैयार रहना होता था कि ये पीरियड में कभी भी जब मेरे और कन्या कन्या को तैयार रहना होता था कि भाई उसके और शादी होने वाले व्यक्ति के बीच में गवर्नेंट हुआ है सगाई हुई है एंगेजमेंट हुआ है तब उसको तैयार रहना पड़ता था क्योंकि अब वो घर तैयार करने के लिए गया है जब उसका घर रेडी हो जाएगा उसका पिता उसको बोलेगा कि नाउ एवरीथिंग इज रेडी गो गो एंड टेक योर वाइफ आप याद देखिये इसीलिए यीशु मसीह ने यह वचन बोला था यूहना रचित सुसमाचार चौदह और दूसरी तीसरी आयत आप पढ़े देखो और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें आकर ले जाऊंगा जहां तुम जहां मैं रहू वहां तुम भी रहो आगे क्या लिखा है उसकी दूसरी आयत में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जाता हूं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो मतलब यीशु मसीह ने यह बात बोलिए कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं प्यारे बिल्कुल उस समय का हाल देखते हुए प्रभु ने बातें बोलिए बिल्कुल कल्चर के आधार ये ज्यूश वेडिंग ट्रेडिशन था इनका कि पहले बेटा शादी करने लायक हो जाए तो जब सगाई होती थी और सगाई के बाद पुत्र पूरा घर तैयार करता था जिसमें हस्बैंड और वाइफ रह सके और वो घर तैयार हो जाए बाद में वो पिता उसको सहमति देता था सब चेक करने के बाद कि हाँ भाई आप सब योग्य हैं आप कन्या ला सकते हो और प्यारो वैसे ही ये शुमसी ने यह बात बोली थी क्या बोली थी कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं हालाया हाला और प्यारो प्रभु ने ये बात भी बोली थी जब मैं आऊंगा उससे पहले ये ये घटनाएं होगी तो वो सारी घटनाओं का वर्णन भी हमने अभी कुछ ही क्षणों पहले सुना और देखा प्यारो और फिर जब वो बेटा सम्मति पा लेता था अपने पिता की तब वो निकल पड़ता था अपने घर से कन्या के घर की ओर जाने के लिए क्या होता था कन्या के घर की ओर जाने के लिए वो निकल पड़ता था और कन्या के घर पे जाता था और कन्या को लेकर अपने घर वापस लौट जाता था प्रभु बहुत जल्द आ रहा है ये ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहली महत्वपूर्ण घटना है अंतिम समय की कि जिसमें यीशु आएगा पर कैसे आएगा वो अब हम देखने वाले हैं ना बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे अभ्यासियों का भी अलग अलग मानना है प्रभु के आगमन के लिए तीन अलग अलग व्यूज है आ, अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा जितना हुआ है अभी बीस एक मिनट हम और प्रभु के वचन को सीखेंगे आ, तीन तीन व्यू है इसमें कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलिसिया को ले जाएंगे और दूसरा व्यू है और उसके बाद में आ, क्लेश काल शुरू होगा मतलब महाविपत्ति काल जिसके लिए ऐसा बोला है कि ऐसी विपत्ति इस संसार में पहले हुई न थी और होगी भी नहीं ऐसा ऐसी भारी विपत्ति संसार में आने वाली है पर वो विपत्ति काल जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड आए उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो ये पहला व्यू है जो लोग मानते हैं दूसरा व्यू ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वो ट्रिब्युलेशन पीरियड काल का समय वो सात साल का समय है और वो सात साल के समय में साढ़े तीन साढ़े तीन मतलब साढ़े तीन साल साढ़े तीन साल करके दो हिस्सों में वो बंटा हुआ है उसमें एक हिस्सा पूरा होगा तब आएंगे कुछ लोगों का ऐसा मानना है और वहां पर प्रभु अपनी कलिसिया को ले जाएंगे और तीसरे लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अंतिम सात समय में मतलब महा क्लेश काल होगा उसका जो समय बाइबल में लिखा है वो सात साल है वो सात साल पूरे होने के बाद मतलब महा क्लेश काल के अंत में यीशु आएंगे और अपनी कलिसिया को ले जाएंगे पर ये तीनों व्यू में से ये तीनों विचारधाराओं में से सबसे ज्यादा आधारपूर्ण अगर कोई विचारधारा है विचार है तो वो है सबसे पहला व्यू कि यीशु मसीह अपनी कलिसिया को महा से पूर्व उससे पहले ही लेने आएंगे पर वो कैसे ले जाएंगे हम उसके लिए देखना चाहेंगे देखो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है प्रभु यीशु का आना दो हिस्सों में बटा हुआ है पहला क्लेश काल से पहले अपनी कन्या मतलब कलिसिया को लेने के लिए और दूसरा जैसे वो ले जाएंगे उसके बाद में महाविपत्ति काल शुरू होगा वो सात साल का विपत्ति काल पूरा होगा उसके अंत में इज़राइल को बचाने भाई क्यों इज़राइल को बचाने के लिए क्योंकि उस समय इज़राइल पर बहुत भारी विपत्ति आने वाली है बाइबल में उसका वर्णन किया गया है वो हम आगे अभी आगे देखने वाले हैं पर प्यारो ये दो हिस्सों में प्रभु यीशु मसीह का आना बटा हुआ है उनका अः पुनरागमन जिसको बोले ये दो हिस्सों में बटा हुआ है उसमें सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रेप्चर बोलिए है रेप्चर जिसको गुजराती हिंदी में बोल सकते हैं गुजराती में बोल सकते हैं गगन गमन गगन गमन आपको याद हो तो जब यीशु मसीह का इस संसार में से स्वर्गारोहण हुआ तब कैसे हुआ था बादलों पर सही है आपको पता है बादलों पर उनको उठा लिया गया और चेले वो सब देखते रहे कि यार हमारा मसीहा उठा लिया गया स्वर्ग में ले लिया गया और वहां पर स्वर्ग दूत तो उनके पास आए और उनको बोला क्या बोला पता है न कि जैसे ही यीशु मसीह को आप जाते हुए देख रहे हो वैसे ही बहुत जल्द वो बादलों में आने वाला है लोही मतलब अब की बात जब यीशु मसीह आएंगे तो वो सीधे इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे पर वो कहा आएंगे बादलों में आएंगे बोलिए बादलों में हाँ प्यारो वो बादलों में आएंगे और उस समय क्या होगा कि कलिसिया मतलब जो विश्वासी लोग जो उद्धार पाए हैं जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर प्रभु और उद्धार करता ग्रहण किए हुए और उसके पीछे चल रहे हैं देखा है लिखा कि वो विश्वासी लोग क्या होंगे तो उनका रूपांतर हो जाएंगे क्या रूपांतर हो जाएगा तो उनका जो ये भौतिक शरीर है ना जो हमारा भौतिक शरीर एक आत्मिक महिमावंत शरीर में रूपांतरित हो जाएगा तब्दील हो जाएगा और उस प्रकार से वो इस संसार में मतलब संसार के लिए अदृश्य हो जाएंगे संसार वाले उस समय सोचेंगे अरे बाप रे कहाँ गए आप यारो ये घटना बहुत बड़ी घटना इस संसार में होने वाली है जब यीशु बादलों पर आएंगे अपनी प्रजा को लेने के लिए तब ये बात होने वाली है कि इस संसार में बहुत सारे लोग अदृश्य हो जाएंगे। पर इस अदृश्य होने वाली घटना को लेकर भी शैतान ने तख्ता बिछाया भी बिछाया प्यारो ताकि लोग सच्चाई न समझे देखिए आजकल ऐसी स्टडी बहुत बढ़ती जा रही है और वो है एलियंस आपको पता हो एलियंस के बारे में आप जानते हैं बहुत सारी मूवीज भी ऐसी चलती है पर लोग मानते हैं कि एलियंस है पर उसकी और हम ध्यान ले जाना नहीं चाहते पर उस समय में ऐसा ऐसा मत ऐसा विचार लोग फैलाएंगे कि हाँ ये लोग यहाँ रहने के लायक नहीं थे इसलिए इनको परग्रहवासी एलियंस आए और उठा कर ले गए और आ, मेरे ख्याल से 1960 में 60 या 64 में एक घटना हुई थी कि रशिया में कुछ व्यक्तियों ने ऐसी घटनाओं को देखा था कि कोई उड़न तस्करी आई और उसमें से कुछ लोग निकले और मानो उन व्यक्तियों ने जिन्होंने देखा उनको लगा कि वो उठाए जा रहे अपने घर में उठ जा रहे हवा में उड़ रहे और ये घटना का वर्णन है प्यार मतलब उस समय में जब रेप्चर होगा तब ये बात होगी कि लोग ये भी बोलेंगे अरे कुछ नहीं हुआ है, ये तो परग्रहवासी आए हैं और ये उनको लेकर उठा कर ले गए पर प्यारो वो परग्रवासी नहीं यीशु है जो अपनी कलिसिया को उठा कर ले जाएगा जा। हाल ललोया जो लोग नहीं मानते हैं हम कि भाई कलिसिया का रेप्चर पहले नहीं होगा बीच में होगा या तो सात साल के अंत में होगा प्यारो उसके लिए कुछ वचन है हम देखने वाले पर जब रेप्चर होगा तब ये बातें होगी कि यीशु से मिलने विश्वासी बादलों में उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में और हम कहा रहेंगे और हम यीशु के साथ दूसरे आगमन में सात साल के बाद में हम वापिस आएंगे किसके साथ यीशु के साथ कैसे आएंगे वो भी लिखा है बाइबल में देखिए क्लेश काल से पहले अपनी कन्या कलिसिया को लेने जब यीशु मसीह आएगा उसके लिए जो वचन प्रभु का वचन कहता है वो इस प्रकार कहता है जो पहला पाठ पहला हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह का आना है वो सिक्रेटली है मतलब गुप्त आगमन है कैसे गुप्त आगमन है पहला थे और उसका चौथा अध्याय सोलह और सत्रहवीं क्या लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और लिखा है उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरं ही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे मतलब यीशु मसीह जब आएगा तब ये बात होने वाली है जब कलीसिया को लेने जो मसीह में सबसे पहले मृत्यु पाए हैं वो उठेंगे इसलिए बाइबल में लिखा है कि कब्रें खुल जाएगी बहुत सारी कब्रें खुल जाएगी और लिखा है तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर क्या होगा उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे अब यहाँ उठा लिए जाना जो शब्द इंग्लिश में है टू बी कॉट अप मतलब इसका मीनिंग होता है आ, आ, और लिखा है कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम उनके साथ रहे क्या लिखा है आगे अब रेपचर की जो मूल शब्द उसके लिए है कॉट अप इसका मतलब है अचानक उठा लेना ग्रीक भाषा में इसका शब्द है हर्पजो, हर्पजो। और लेटिन भाषा में लैटिन भाषा में लिखा है मुर, रेपी मुर अब जो रेपी है उसके ऊपर से यह शब्द आया रेपचर इसका वर्णन नए नियम में ग्रीक ग्रीक नए नियम में बीस के आसपास बीस बार इसका वर्णन किया गया है प्यारे बीस एक बार इसका वर्णन किया गया है अब जब यीशु मसीह इस प्रकार आएंगे कलिसिया को लेने बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई साढ़े तीन साल का जो काल काल का आधा समय है तब आएंगे कुछ मानते सात समय सात साल के बाद में पर प्रभु का वचन बहुत साफ लिखा है कि सॉरी मैं ये रेफरेंस यहां पर लिखना भूल गया हूं वहां पर लिखा है कि लोग देखेंगे कि लोग देखेंगे मतलब एक आगमन यीशु मसीह का है जो है विजिबल दृश्यमान मतलब जो लोग देख सकेंगे और दूसरा जो आगमन है वो है गुप्त आगमन तो गुप्त आगमन पहले होगा और विजिबल जो दृश्यमान है वो आगमन उसके बाद में होगा जो काल के अंत में होगा देखिए किस प्रकार किस वचनों के आधार पर हम बोल सकते कि गुप्त आगमन पहले होगा तो उसके लिए बाइबल में साफ यहां पर लिखा है दूसरा पत्रस तीन और दस उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा कैसे आएगा चोर की नाई आ, पहला पहला पांच और दो से चार में लिखा है जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है जब लोग कहेंगे कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं पड़े मतलब यीशु मसीह के आगमन को चोर का कहीं पर जाना इसके साथ तुलना की गई है अब सोचो प्यारो चोर कभी आता है तो क्या पहले से इन्फॉर्म करता है सूचना देता है कि मैं इस तारीख को इतने बजे यहां पर आऊंगा आपके घर आऊंगा नहीं वह सूचना कभी नहीं देगा उसका यह स्वभाव है नहीं चोर के अंदर ये बात है क्योंकि वो चोरी करने जा रहे हैं और वो सीक्रेटली करता है गुप्त में करता है तो क्या क्या करता है वो चोरी में जो कीमती चीजें होती है वो ले जाता है हा प्यार यशु मसीह के लिए आप और मैं बहुत कीमती है बाइबल में लिखा है आप मेरे लिए मूल्यवान हो आप हाईली फेवर्ड हो में लिखा है कि आप अनुग्रह पाए हुए लोग हो इसलिए प्रकाशित वाक्य तीन और तीन में भी ऐसा लिखा है सो सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिर और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा मतलब यीशु मसीह बार बार वचन में लिखा है चोर की नहीं आना उनका आना चोर की नहीं लिखा है चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा प्रकाशित वाक्य 16 और 15 में ऐसा लिखा है देख मैं चोर की नहीं आता हूं धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे हाँ प्यारो प्रभु का जो पहला आगमन है जो पहला पुनरागमन है वो बादलों में होने वाला है और वो सीक्रेटली वो गुप्त में होने वाला है और उस समय प्रभु अपने विश्वासी लोगों को उठा लेने वाला है वो उठा ले जाएगा इसलिए इस संसार में उस दिन बहुत सारे लोग अदृश्य हो जाएंगे प्यारे ये संसार और संसार के लोग बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतने सारे लोग गए कहा मान लो विमान प्लेन में जा रहे होंगे और अचानक प्लेन क्रैश हो जाएगा क्यों क्योंकि पायलट विश्वासी था हो सकता है कि ट्रेन जा रही हो पटरी पर से उतर जाए क्योंकि उसका चालक वहां पर ना हो क्योंकि वो उठा लिया गया हो विश्वासी होने के नाते हो सकता है बहुत सारी गाड़ियां क्रैश हो जाए या तो एक्सीडेंट हो जाए बहुत सारे अकस्मात उस दिन हो सकते हैं क्योंकि ड्राइवर चलाने वाला चालक विश्वासी हो सकता है घटना सबसे महत्वपूर्ण घटना है अंतिम समय की और वो है रैप्चर मतलब विश्वासियों का उठा लिया जाना यीशु के द्वारा दूसरी जो बात है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे रैप्चर और सेकंड कमिंग सेकंड कमिंग मतलब क्लेश काल का अंत भाग दूसरा पार्ट यीशु मसीह के आने का दूसरा पार्ट वो क्या बताता है जब हम स्वर्ग में यीशु से मिलने वादलों में चले जाएंगे ये बहुत बड़ा तफावत है इन दोनों घटनाओं में ये सात क्लेशकाल से पहले होगा दूसरा क्लेशकाल काल के बाद में होगा पर पहले में हम यीशु के साथ जाए उठा लिए जाएंगे और दूसरे आगमन में सात साल के अंत में महाक्लेशकाल काल के अंत में हम यीशु के साथ वापिस आएंगे अब क्यों वापिस आएंगे उसके लिए भी हम आगे देखने वाले हैं क्योंकि उस समय कुछ घटनाएं भी होने वाली है सेकंड कमिंग क्यों जो सेकंड कमिंग का जो वचन है सात साल के अंत में वो ये बात दिखाती है यहूदा की पत्री उसका पहला दिया चौदह पंद्रह आयत क्या लिखा है इस पे लिखा है कि हनोख ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के लाखों पवित्रों के साथ मतलब लाखों संतों के साथ आया मतलब दूसरा जो आगमन होगा यीशु मसीह का वो बादलों पर नहीं होगा पर वो क्या होगा वो इस संसार में सब लोग देख पाएंगे सात साल के अंत में क्लेश काल के महाक्लेश के अंत में वो देख पाएंगे उनको पता चलेगा सात साल के अंत में आ, क्या लिखा है कि सबका न्याय करें और सब भक्ति हीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए क्या लिखा है सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए यहूदा की पत्री चौदह और पंद्रह में लिखा है प्रकाशित वाक्य उन्नीस और तेरह में लिखा है वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, मत्थी 24 में लिखा है। जैसे बुजली बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा जहां लोथ हो मतलब जहां लाशें होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे अब ये लोथ ये लाश और गिद्ध ये सब क्या है इसके बारे में हम आने वाले समय में इसका थोड़ा और गौर करेंगे क्योंकि हम ट्रिब्यूलेशन नहीं दूसरी जो मेजर इवेंट है बड़ी घटना है अंतिम समय की वो है ट्रिब्यूलेशन महाक्लेश हम उसमें देखेंगे लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के बाद मतलब सात साल के अंत में तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी दिखाई तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पिटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे अब ये चुने हुए ट्रिब्यूलेशन में कहा से है हाँ प्यारो उस समय में बहुत सारे यहूदी लोग भी होंगे जिन्होंने विश्वास किया होगा बहुत सारे मसीही लोग होंगे जिन्होंने जो लेफ्ट बिहाइंड होंगे जो जो पहले प्रभु के आगमन में रेप्चर के समय में उठा लिए नहीं गए बाकी रह गए वो लोग अपनी जान की कीमत अदा कर कर भी नहीं आ, सामना करते होंगे मतलब उस इस, उस तरीके से मतलब उनको बचा लिया जाएगा उस त, उनको बचाने के लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलोलुया प्रकाशित वाक्य 19 और 11 से 17 में एक और बात लिखी है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है आ, जल से जल इसको पढ़ना चाहो और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने उसका नाम परमेश्वर का वचन है ठीक है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड राज करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रो देगा दूसरी जो बात इसका वचन का आधार है जखरिया बारह और दो जो प्रभु के सेकंड कमिंग मतलब सात साल के अंतिम समय जब यीशु आएंगे उसके बारे में जो बात लिखी है वो कि जब घेर लिया जाएगा ये में ये बात होने वाली है मतलब काल में कि यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब क्या होने वाला है उस समय ऐसा लिखा है कि तब तुम मेरे बनाए हुए सॉरी तब जलपाई का मतलब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डे हो जाएगा तब आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे क्योंकि वह खड्ड तक पहुंचेगा और लिखा है कि तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडोल मतलब भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में मतलब एक और बड़ा भूकंप महाक्लेष काल के अंत में एक और बड़ा भूकंप होगा और वो इसलिए होगा कि यीशु मसीह अपने Uh, संतों के साथ इस संसार में uh, कदम रखेंगे और वो कदम रखेंगे जैतून पर्वत पर आप uh, यहाँ पर इस दृश्य में आपको दिखाई देगा कि यीशु आ रहे और वहां पर जमीन फटी हुई वहां पर आपको दिख रही है uh, उस समय कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है न तो दिन होगा न रात होगी परंतु सांझ के समय उजियाला होगा आप सोचो वो कैसा समय होगा न दिन होगा न रात होगी पर सांझ के समय में उजाला होगा मतलब पूरा समय अंधेरा छाया हुआ होगा और ऐसा समय होगा पर पर लिखा है ऐसे समय में यीशु आएगा अपने संतों के साथ और लोगों को दिखाई देगा और लिखा है कि तब यह सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यह और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा और लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन को ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे ये वो समय है जब वहां क्लेश काल का अंतिम पीरियड होगा अंतिम समय होगा जब यीशु आएगा वापिस अपने उन लोगों को बचाने के लिए जो बहुत ही भयंकर क्लेश काल में इनकी हालत बहुत विपरीत हो गई है और उनको बचाने के लिए आएंगे प्यारो और यह प्यारो प्रभु का स्वभाव है आप अगर देखोगे तो उत्पत्ति से लेकर अभी तक के हर एक समय में जब आप वचन को देखोगे तो उसमें साथ दिखाई देगा कि जब भी कुछ हुआ तो उसने अपने चुने हुए को उठा लिया बचा लिया मान लो नुहा का समय नूह के समय में जब बड़ा जल प्रलय आने वाला था तो परमेश्वर ने नूह को पूरी योजना बता दी कि इस प्रकार तुम बच सकोगे और जितने विश्वास करेंगे वो बच जाएंगे मतलब प्रभु कुछ महाविपत्ति जब भी संसार में लाया है तो अपने लोगों को उसमें रहने नहीं दिया है क्यारो एक और आयत मैं पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में ये बात लिखी है कि दसवीं आयत तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए मतलब पृथ्वी पर रहने वाले मतलब जहां पर भी ये वचन है वहां विश्वासी नहीं है बाइबल में ऑलवेज परमेश्वर ने विश्वासियों को अपने लोगों को और संसार के लोगों को अलग अलग समझा है ऑलवेज परमेश्वर अपने लोगों को अलग तरीके से काउंट करता है अलग गिनता है और इसलिए यहाँ पर ये वचन पृथ्वी पर रहने वाला है। मतलब संसार के लोग उनको परखने पर के लिए सारे संसार पर आने वाला है मतलब कहाँ आने वाला है संसार पर आने वाला है और हम कहा है हम संसार में नहीं है, संसार में थे पर हमें संसार से बाहर ले लिया गया अब हम परमेश्वर के राज्य में हाल लिखा है कि आ, उनके ऊपर आने वाले लिखा है कि उस समय आ, हिंदी में लिखा है उस समय बचा रखूंगा पर हकीकत में यहां ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कीप कीप फ्रॉम ऐसा नहीं लिखा है कि कीप इन मतलब उस क्लेश काल में तुझे बचाऊंगा मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्लेश काल के अंदर मैं तुम्हें बचाऊंगा इसका मतलब विश्वासी का रैप्चर नहीं है बीच में पर ऐसा नहीं है पर लिखा है कीप फ्रॉम इट मतलब तुम्हें उसके पहले मतलब उस उसमें नहीं रहने दूंगा मैं उससे बचा लूंगा जल प्रलय से नोहा को बचा लिया प्रभु ने महा काल से प्रभु यीशु कलीसिया को बचा लेने वाला है कलीसिया को उठा लेने वाला है और भी बहुत सारी आयत है प्यारेो जिसको समझ सकते कि यीशु मसीह पहले विश्वासियों को लेंगे बाद में क्लेश काल का प्रारंभ होगा सात साल का महाक्लेश प्रभु मसीह का दूसरा आगमन यहूदी लोगों को बचाने के लिए प्यारो, तो ये बहुत बड़ी मेजर इवेंट के बारे में हमने आज समझा है आज के बाइबल अध्ययन हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे पर यह मूल बातें मैं फिर से दोहराऊंगा कि यह अंतिम समय में आप और मैं जी रहे प्यारे और इस अंतिम समय में बाइबल में लिखी हुई महत्वपूर्ण अंतिम समय की जो घटना है उसमें सबसे पहले जिसमें यीशु मसीह अपनी कलिसिया को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है और कलिसिया के लोग विश्वासी लोग उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माने हुए लोग वो ही धर्म के आधार पर चलने वाले नहीं जो लोग उद्धार पाए उनकी बात प्रभु कर रहा है जिनका प्रभु जिनका मालिक परमेश्वर है जो उनकी इच्छा को समझते है और जानते हैं जो उनकी भेड़ है उनको उठा लेगा प्रभु क्योंकि वो चरवाहा है है भेड़ों के लिए प्राण दे चुका है, अब भेड़ों को बचाने के लिए वो वापिस उठाने के लिए वो आने वाला है तो यह सबसे महत्वपूर्ण और पहली अंतिम समय की घटना है जिसका प्रारंभ रैप्चर से होने वाला है प्यारो रैप्चर कब होगा वो आज हमने देखा कि उससे पहले ये ये घटनाएं होगी कि संसार में बहुत सारी विपत्तियां आएगी महामारियां आएगी धार्मिक बहुत बड़ा अधर्म वहां पर अधर्मी लोग बन जाएंगे बहुत कुछ हमने आज देखा है तो ये सब बातें होने वाली है तो आइए हम प्रार्थना करते ये समय में अगर विश्वासी उठा लिया नहीं जाता है पर वो ही नहीं उठा लिया जाएगा कि जिसने यीशु के पीछे मतलब चलना छोड़ दिया है बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए थे पर आज यीशु को छोड़ चुके यीशु को प्रभु नहीं मान रहे वो रह जाएंगे प्यारों पर आप चल रहे हो यीशु के पीछे चलना जारी रखिए पीछे रहना जारी रखिए उसके वचनों के आधार पर अपने आप को जागरूक रखना जारी रखे आप एक ही चीज से जागरूक रह सकते हो क्योंकि यीशु ने बोला है कि अंत नहीं के अंत निकट है प्रार्थना करो और जागरूक रहो प्रार्थना तो हम करेंगे पर जागरूक कैसे रहेंगे परमेश्वर के वचनों के अंदर अपने आप को कर प्यारो प्रभु के वचनों को अपने अंदर लेकर प्यारो आइए हम आज प्रण करते हैं प्यारो कि प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें, प्रभु के आगमन के लिए हम प्रभु के वचनों में से पढ़ते हुए प्रभु के वचनों पर ध्यान करते हुए उसकी बाट देखें, क्योंकि बाट देखने वाले को तो पता चलेगा कि चोर आ गया है जिस जो बाट देखेगा जो जाग रहेगा उसी को पता चलेगा कि हाँ चोर आया है जो सो गया होगा उसको नहीं पता होगा कि चोर कब आया और कब कीमती चीजें लेकर चोरी करके चला गया पता तो नहीं चलेगा प्यारा तो आइए अपने आप को जागरूक रखने के लिए इन दिनों में जागरूक रखने का समय है अब अपने आप को प्रभु के वचनों में बनाए रखने का समय है आइए प्रार्थना करते हैं हम अपने, अपने को अपने सिरों को झुकाएंगे प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस अंतिम समय के लिए प्रभु आप हमें जागरूक करते हो अपने वचनों के द्वारा पिता हम आपके आभारी आप है परमेश्वर जो बातें आज आपने हमें सिखाई है हो सकता है बहुत कुछ या तो थोड़ा लोगों को समझ में आया हो या ना आया हो पर प्रभु इतना आत्मा तो सर्वव्यापी आत्मा है तू हर एक को समझाने वाला आत्मा है तू हर एक को सच्चाई में ले जाने वाला आत्मा है और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु तू सही समझ की और ले जा परमेश्वर प्रभु हम हम और भी प्रभु तेरे वचन का गहराई से अध्ययन करने वाले बने परमेश्वर तेरे वचनों का ध्यान करने वाले बने परमेश्वर हम मेंढ चाल चलने वाले नहीं कि दुनिया में जो जैसे चलते है उसके पीछे भी चलते जाए ना प्रभु हम अलग किए हुए लोग है और प्रभु हम तेरे वचनों पर ध्यान करते हुए तेरे वचनों को हमें दिलो दिमाग और मनो में रखते हुए चले और बढ़े परमेश्वर ताकि हम आत्मिक चाल चले परमेश्वर ताकि हम जब तू चोर की संसार में कीमती तेरे मूल्यवान लोगों को लेने आए तब हम जागृत हो और हम तुझे देख पाए और हम तेरे साथ आ सके परमेश्वर पवित्र आत्मा सदैव हमें रहने का अनुग्रह दे परमेश्वर प्रभु हम हमारी आग हमारे अंदर की आग को तू बुझने न दे परमेश्वर और भी उसको जागृत कर परमेश्वर ताकि हम और भी प्रभु तेरे वचनों को प्रभु सीखते जाए समझते जाए और सबसे ज्यादा प्रभु लोगों तक तेरे वचनों को ले जाने वाले बने सुसमाचार को ले जाने वाले बने ताकि लोग जो अंधकार में है वो इस घटना में प्रभु आप पर भरोसा और विश्वास करके आपको प्रभु और स्वामी ग्रहण करके वो भी इस रेपचर में शामिल हो परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु तेरा आना निकट है तब तो हमें और भी अनुग्रह दे कि हम खुद को भी जागृत रखे खुद को भी संभाले और दूसरों को भी बचाए परमेश्वर पवित्र आत्मा यह अंतिम समय है इस समय के लिए पवित्र आत्मा तो तेरे लोगों को तेरे वचनों को सीखने वाले लोगों को पवित्र आत्मा तो और भी सामर्थ्य और प्रकाशन से और भी प्रगटीकरणों से और नए नए प्रकाशनों से तू भर दे परमेश्वर प्रभु उनकी आग को तो और भी बढ़ाता जा परमेश्वर उनके अंदर की फायर प्रभु बुझने ना पाए पर दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए परमेश्वर वो और भी इच्छुक होते जाए दिन ब दिन ज्यादा इच्छुक होते जाए तेरे वचनों का अभ्यास करने में पिता प्रभु हम तिर से सहायता और बल मांगते प्रभु आखिर में प्रभु प्रभु तेरे आत्मा के बगैर प्रभु हमारा कदम बढ़ाना मुश्किल है तू सामर्थ और बल देता है प्रभु हमें अनुग्रह दे पिता की सारा निष्क्रियता, सारी ऐसी अवस्था और ऐसे हर एक बंधन जो लोगों को पीछे ले जाती है, लोगों को ठंडा और गुनगुना कर देती है ऐसी हर एक बातों को हम यीशु के नाम में आज तोड़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम में तोड़ते हैं आज प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं उनको वचन का गहराई से अध्ययन करने का तू अनुग्रह दे प्रभु उनका बाइबल का अध्ययन दिन ब दिन बढ़ता जाए प्रभु मैं आज यह प्रार्थना करता हूं और जो भी तेरी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं हम जानते तेरे वचन के अनुसार कि वो हमें मिलता है और वो तू तो सुनता है और वो हम पाते हैं परमेश्वर आज हम विश्वास से यह उत्तर पाए हुए हैं प्रभु हमारी प्रार्थना है इस अभ्यास में तू और भी हमें गहराई में और भी आगे ले जा ताकि जो बड़ी घटनाएं और भी आने वाले समय में होने वाली है उसको हम समझ सके हम यशुमसी के नाम से हमारी प्रार्थना आपके चरणों में लाते इसे कबूल करें Amen.